चलो हम क्या कर रहे थे, डेफिनिशन ना, पिछले क्लास का पढ़ के आए पूरा फॉर्मूला याद हो गया दोस्त, सबके मोबाइल में आएगा, सबके मोबाइल में आएगा और सबका आया होगा। वेरी गुड। तुम सामने आ जाओ ना, एकदम फ्रंट पे आ जाओ, गो इनसाइड, आप अंदर चले जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे वो उसका रिफ्लेक्शन आता है, देखा था क्या वीडियो? हाँ इसीलिए मैं बोल रहा। तो सामने आ जाओ ना, सामने आएगा तो उसको ओवरकम कर जाएगा, तो थोड़ा अंदर जा। ठीक, चलो स्टार्ट करें, तैयार हो? टाइम का लेकिन पंक्चुअलिटी अभी तक नहीं आया ना, मैं बोला था 5-10 मिनट पहले आ जाना करके। अब क्लास का फिजिक्स का टाइम थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, 8 बजे कर दूं चल जाएगा? चल जाएगा ना 8 से 9, ठीक है दोस्त, बाकी तो सेम रहेगा। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग किस पे बात करते थे, डेफिनेशन ना, हो गया था, कर लिए थे पूरा, पूरा फार्मूला याद है? तो पूरा फार्मूला याद है सबको, याद है फार्मूला? बनाए नहीं थे कुछ क्वेश्चंस तो दिया नहीं था ना, वो असाइनमेंट आएगा अभी, फार्मूला का भी पेपर आएगा और असाइनमेंट भी साथ में आएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आज इसी के एक पार्ट टू होता है, तो पार्ट टू यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ टर्म। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल टर्म टाइप क्वेश्चन, स्पेशल टर्म टाइप क्वेश्चन। अभी लिखोगे नहीं, सिर्फ ध्यान दोगे, अभी बात नहीं करोगे, लिखने तो वैसे भी नहीं पा रहे हो, तो कॉपी निकालने से कोई मतलब नहीं, अभी अभी रखे रहो, बस देखते रहो, ध्यान लगाओ। स्पेशल टर्म टाइप क्वेश्चंस, ये स्पेशल टर्म टाइप क्वेश्चंस क्या होता है इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में बेसिक क्वेश्चंस हमने बना लिया था कि डेफिनेशन में कैसे बेसिक क्वेश्चंस बनता है। ठीक, क्लियर हो गया था पूरा अच्छे से? फार्मूला कितने लोगों को याद है, प्लीज रेज योर हैंड्स। बस 4। अरे बंद कर, बंद कर, कॉपी बंद करके बोल, याद कितने लोगों को? क्यों नहीं किया? और देख लेना बाद में, बाकी ओवरव्यू तो पता है ना कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो तुम तो आज फर्स्ट क्लास है ना, तो कैसे करोगी पता है? आप ना अभी जाके ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप डाउन अभी जाते समय अपना एंट्री करवा लेना, एंट्री करवा के फिर ऐप डाउनलोड करोगे तो एक्सेस वहां पे मिल जाएगा तुमको, जो पिछला लेक्चर हुआ ना उसका पूरा वीडियो भी है, उसका पीडीएफ भी है, आप वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, फिर इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो देख लो, स्पेशल टर्म किसको बोलते हैं, ध्यान समझो। अगर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, डी बाय डी एक्स, अगर मैं साइन एक्स लिखूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? यार कॉस एक्स होगा ना, चल रेस्पॉन्स नहीं करना क्लास में, ठीक है? अगर इसके जगह पे मैं ऐसा लिख दूं, डी बाय डी एक्स साइन 2x, तो यहां पे आकर दिमाग हो गया खराब। पूछ क्यों? क्योंकि फार्मूला हम x का पढ़े थे, यहां पे क्या आ गया? 2x। बात समझ में आया? फार्मूले में जो होना चाहिए उसके अलावा कुछ होना, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्पेशल टर्म। इसी को क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गया? और मैं एग्जांपल्स बताता हूं, लाइक अगर हमारे पास डी बाय डी एक्स चाहिए, लॉग एक्स पढ़े हो ना, अगर डी बाय डी एक्स लॉग साइन एक्स दे दिया तो एक्स के जगह पे क्या आ गया? साइन एक्स आ गया ना। साइन एक्स पढ़े थे क्या? लॉग साइन एक्स पढ़े थे क्या अपन फॉर्मूले में? नहीं पढ़ा है ना, तो ये क्या हो गया? ये किस कैटेगरी में आ गया? स्पेशल टर्म टाइप। क्लियर मेरी बात? जैसे और भी बहुत सारे इसमें फॉर्मूलाज है, लाइक डी बाय डी एक्स, हम 10x पढ़ा है ना, अरे हाँ या ना, अगर मैं 10 के साथ log x दे दूं तो यार इस x के जगह पे क्या आ गया? log x आ गया ना, तो ये log x क्या होगा? स्पेशल टर्म। तो समझ में आ गया स्पेशल टर्म किसको बोलते हैं? पूछूं? अब बताना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशल टर्म इसमें क्या? ठीक, डी बाय डी एक्स साइन 10x, तो तुम बताओ दोस्त इसमें स्पेशल टर्म कौन सा? 10x। स्पेशल टर्म को आइडेंटिफाई कर लोगे, क्वेश्चन इजी बन जाए। मैं बता, मैथ्स में भी यूज होगा, लेकिन तेरा जो क्वार्टरली है ना, ये तेरा फिजिक्स में कहीं यूज नहीं होने वाला। अब तेरे को लग रहा होगा कि फिजिक्स में यूज नहीं हो रहा तो पढ़ेंगे क्यों? हमारा जो फर्स्ट एग्जाम जो होगा वो क्वार्टरली एग्जाम होगा ना, क्वार्टरली में जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा? जो आपका मैथमेटिकल टूल्स, मेजरमेंट और लॉ ऑफ मोशन तक देगा, तो मैथमेटिकल टूल्स में सारे क्वेश्चन आपको आने वाले। क्लियर है? सारे क्वेश्चन तुमको अभी मिलने वाले। तो 10x यहां पे क्या हो गया? स्पेशल टर्म हो गया।
क्लियर मेरी बात? डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स ना, ई टू दी पावर अगर मैं साइन एक्स लिखता हूं तो यहां पे स्पेशल टर्म क्या, तुम ही बताओ, वो बताएगा ना, यहां पे स्पेशल टर्म क्या हो गया, साइन एक्स। कैसे आइडेंटिफाई किए, क्योंकि हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ई एक्स पढ़ा था, एक्स के जगह पे क्या आ गया, मतलब एक्स के जगह पे जो होगा उसी को हम इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे, स्पेशल टर्म। क्लियर है? ठीक है, तुमको कोविड हो गया तो मास्क निकाल के बैठो ना क्लास में, ठीक है, एकदम अभी घबराने की जरूरत नहीं है ना, आप सेफ हो यहां पे। डी बाई डी एक्स, फिर से पूछूं, साइन स्क्वायर एक्स, चलो तुम बताओ, खड़े होके जिसका नाम होगा खड़े होके बोलो, इसमें स्पेशल टर्म क्या है, जल्दी बता। हाँ पक्का ना, सोचो तुम बताओ इसमें स्पेशल टर्म क्या होगा, स्क्वायर एक्स होगा। अच्छा तुम बताओ, नो आइडिया। हाँ देखो इसी में समझना है, ठीक है, डी बाय डी एक्स, वो लड़का सही बोला, स्क्वायर को ऊपर ले लो तो अंदर क्या बचा, या इसको देख के ना एक बात याद आई, स्क्वायर वाला ना एक्स के ऊपर स्क्वायर हम पढ़े, पढ़े है ना स्क्वायर, लेकिन साइन के ऊपर स्क्वायर पढ़े थे क्या, नहीं, तो एक्स के जगह पे क्या आ गया, साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स क्या हो जाएगा, स्पेशल टर्म। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, स्पेशल टर्म को आइडेंटिफाई करना सीख गए। चलो एक आध और एग्जाम्पल में बता देता हूँ, लाइक दो तीन तो बता ही दूंगा, और डी ये समझ गया ना तो आगे पूरा इजी हो जाएगा, ठीक है, ए लॉग एक्स, चलो स्पेशल क्या है इसमें बताओ, ए स्पेशल है, खड़े तो फार्मूला पढ़ा है, पक्का पढ़ा है ना, चल बताओ, पक्का पढ़े हो ना, तो उसको बोलने देना यार, उसको तो उसको सीखने का, तो दोस्त है ये, तो दोस्त है, लग नहीं रहा, तो सीखने नहीं दे रहा है, ठीक है। डी बाई डी एक्स, एक्स का फार्मूला बता, चल ए लॉग एक्स, पक्का ना, तुम बताओ, पक्का ना, बहुत बढ़िया, तुम बताओ, ए लॉग ए, पक्का ना, चल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए लॉग ए, यही बोलना चाहता है कि खाली ए आएगा, मैं गलती से सही लिख दिया ना, एग्जैक्टली मैं तुम्हारा, तुम क्या बोले, ए लॉग ए, लेकिन एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आता, ए एक्स लॉग ए, पढ़ेंगे नहीं पढ़ें, पढ़ा था ना प्रीवियस क्लासेस में, तो ए एक्स लॉग ए, आज तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डेड पैटर्न दे रहे हैं आपको, आप घर जाना उस वीडियो को पूरा लाइन से देखना, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आप इसको भी देख लेना, फिर आप कंटिन्यू कर पाओगे, बात समझ में आएगा तेरे को। तो इसमें स्पेशल टर्म क्या, देख ले, ए तो था, ए तो इसमें भी है, एक्स के जगह पे क्या चल रहा है, तो लॉग एक्स यहां पे क्या हो गया, स्पेशल टर्म हो गया। हाँ ये तो इसका सॉल्यूशन है ना पगला, तो यहां पे देख बस स्पेशल टर्म, समझ में आ गया, डाउट है कहीं पे, चल अब बता, खड़े रहे, बाकी कोई नहीं बोलेगा, उसी को बोलने देना, टेन क्यूब एक्स क्यों, तुम बताओ, बोलना, ओ जो बीच में बैठे, हाँ तेरे को क्या लगता है दोस्त, टेन क्यूब, तो कुछ भी बोल देता है। देखो मैंने बोला था ना डी बाय डी एक्स किसको लेना है यार, ये तो ऊपर चला गया, तो अंदर क्या होगा, टेन एक्स, तो जो अंदर रहेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेशल टर्म, समझ में, तो इतना सारा तो मैंने बता दिया, आप तो पहचान लोगे स्पेशल टर्म। अब स्पेशल टर्म के क्वेश्चंस को बनाते कैसे, ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा ना, पिछला मिल गया ना पीडीएफ, ऐप चालू है ना सबका, आज सारे एक ऐप बंद हो जाएंगे, सारे ऐप बंद हो जाएंगे, बताऊंगा क्यों, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, डी बाई डी एक्स, अब मैं दे रहा हूं ना, क्या दे रहा हूं, साइन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आएगा सीजी वालों, और सीबीएसई थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, तो इसके लिए क्या करना, पहले सिस्टम को समझ लो, एक बार समझ लिया तो हमेशा बन जाएगा, क्लियर मेरी बात। ये स्पेशल टर्म का क्वेश्चन है, ये क्लिक किया कि नहीं क्लिक किया, ये बताओ कैसे क्लिक किया, हम फार्मूला पढ़े डी बाई डी एक्स साइन एक्स, उस एक्स के जगह पे क्या आ गया, तो ये स्पेशल टर्म की कैटेगरी में आया कि नहीं आया। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि क्वेश्चन को देख के ये आइडेंटिफाई करना कि ये नॉर्मल कैटेगरी का कि स्पेशल टर्म कैटेगरी का, तो स्पेशल टर्म कैटेगरी क्लियर हो गया, दिख गया कि स्पेशल टर्म का, तो स्पेशल टर्म के क्वेश्चन को बनाते कैसे,
तो इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व। सॉल्व के बाद हमेशा क्या लिखते हैं, गिवन बाय, हिंदी वाले हो तो दिया गया है, क्या लिखोगे आप, दिया गया है। तो देखो डी बाय डी एक्स कैसे करना, साइन एक्स स्क्वायर, जो स्पेशल होगा उसको हमेशा टी एज्यूम कर लेना, क्या एज्यूम करना, जो भी स्पेशल होगा उसको क्या एज्यूम करना, टी एज्यूम करना। बात समझ में आ गया, क्लियर इतनी सी बात, देखो नहीं आया इसमें क्या, कुछ भी तो नया बता, नहीं आया नहीं बता, क्या बोल रहा, जो भी स्पेशल आएगा उसको टी एज्यूम करना, तुम सामने बैठा करो ठीक है, ज्यादा क्लियरिटी आएगा, चल ठीक है अभी नहीं, अगले क्लास में आएगा, चल देखिए आप। तो देखो डी बाय डी एक्स हो गया, डी बाय डी एक्स यहां पे साइन, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या ज़ूम किया, टी, लेकिन यहां पे पंगा है। एक बात आप अभी पढ़ने वाले फिजिक्स तो एक, और मैथ से रिलेट करता है फिजिक्स, तो एक बात हमेशा याद रखना, एक वेरिएबल को जो अज्यूम करता है वो वेरिएबल होता है, और जो एक कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट को अज्यूम कौन करता है, कॉन्स्टेंट होता है ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है चर, एक चर को चर से ही अपन मानते हैं और एक अचर को अचर ही मानते हैं। तो यहां पे एक्स क्या था, वेरिएबल था, तभी तो डेफरेंशिएशन हो रहा, डेफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का तो जीरो होता है। क्या पढ़ा है हमने इस बात को, अरे हाँ तो बोलो, पढ़ के नहीं आते यार, ऐसा नहीं चलेगा, पढ़ के आना पड़ेगा। और फिजिक्स में इतनी सारी चीजें ना दोस्त, इतना उलझन है ना, इतनी सारी चीजें है ना कि माइंड ब्लोइंग, मतलब पूरी लाइफ में सिर्फ फिजिक्स ही याद रहेगा, बाकी कुछ याद नहीं रहेगा। तेरा इलेवेंथ का सिलेबस इतने अच्छे अच्छे टॉपिक है ना, अमेजिंग टॉपिक्स है, खेलेगा तू ठीक है, कब खेलेगा, जब तू उसको समझेगा, जब खेलने के लिए तैयार होगा। अब तू खेलने के लिए तैयार नहीं तो फिर कैसे खेलेगा, समझ में आ ना मेरी बात, तो पढ़ के आना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए बुक खोलने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, वीडियो स्टार्ट कर देना, स्पीड दिया रहता है वहां पे, देखे हो आप, 4x में दौड़ा देना, तेरा रिकैप हो जाएगा, जो एक घंटे का वो 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा, क्लियर मेरी बात। तो देखो ये हो गया, तो हमको ये समझ में आया कि ये वेरिएबल था, तो ये भी क्या होगा, वेरिएबल है, तो वेरिएबल का तो डेफिनेशन होता है, तो यहां तो एक्स के रिस्पेक्ट में टर्म किसका, टी का, तो ये तो अलाउ नहीं करेगा, एक्स पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, जिसके रेस्पेक्ट में उसी का टर्म होना चाहिए, तो यहां एक्स के रेस्पेक्ट में टर्म किसका, टी का, तो क्या एक्स अलाउ करेगा टी को, नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे, तो यहां पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, गुगली करेंगे, क्या करेंगे, गुगली। यहां डीटी का मल्टीप्लाइड और डीटी का डिवाइड कर सकते हैं क्या, अरे किसी भी क्वेश्चन में किसी नहीं समझ में, आपके पास 100 रुपीज है, उसमें 1000 का इंटू करो, 1000 का डिवाइड करो, कितना बचा, तो कुछ हो सकता है क्या। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको इंटरचेंज कर देता हूं, ये टर्म इधर आ गया, तो इट बिकम्स डी बाय डी टी, और ये हो गया साइन टी, और ये चला गया इसके जगह पे, तो ये हो गया डी टी बाय डी एक्स। कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया यहां तक, यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया, यस आई कैन डू इट, मैं बना सकता हूं, नहीं समझ में आया, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो यार टी या किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये रेस्पेक्ट पता है कि नहीं पता, पिछले क्लास में फर्स्ट टॉपिक यही पढ़े थे हम लोग, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, याद है। तो भैया डी बाय डी एक्स है मतलब किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो टर्म भी किसका चाहिए, एक्स का, लेकिन टर्म यहां पे किसका है, टी का, पॉसिबल है क्या, नहीं होगा। तो कैसे करूंगा मैं, डी टी का मल्टीप्लाई डी टी का डिवाइड, इंटरचेंज कर दिया, अब मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। पूछो कैसे, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में टर्म भी टी का, कोई दिक्कत है क्या। अब इसमें स्पेशल का कोई पंगा ही नहीं है, पूछो क्यों, डी बाय डी एक्स साइन एक्स था, तो डी बाय डी टी साइन टी है, बैलेंस्ड है, तो डी बाई डी टी इसका क्या होगा, साइन टी का कॉस टी, सिंपल। अब बचा क्या है, डी बाई डी एक्स, मैंने टी को बोला बाहर जा, कर सकते ना बाहर। अब टी का इनिशियल वैल्यू क्या ज्यूमिंग है, टी का इनिशियल वैल्यू क्या ज्यूमिंग है, एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स फिर से होगा एक्स स्क्वायर, तो एक तो होगा जैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन पता है क्या दोस्त तेरे को, भाई कैसे नहीं पता, ऐसा तो मत बोल, ए बोलना नहीं, जब तक नहीं पूछूंगा मत बोलना, अब इनको भी तो सीखने का मौका, नहीं पता एक्स स्क्वायर कैसा होता है, तुम बताओ एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होगा, डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर को कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, कमाल है, ऐसा तो मत बोलो, बहुत लोग देखते हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है तुम बोलो, तुम बोलो, बोलना, हाँ नहीं पता, कोई नहीं पढ़ के आता है, कोई नहीं पढ़ गया, एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन तू बताता है, अबे दूंगा, टू सामने आता है ना, पावर में टू माइनस वन होता है ना, कहां गया था भाई तू, कहां गया था, एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या बचा,
टू एक्स बचा ना, ये सामने ले ले, तो टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। घूर ले भाई, कहां डाउट है पूछो, घूरो अच्छे से, समझ में आ गया, घूर अच्छे से घूर लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर है तेरे को, कहीं डाउट है? एक्स स्क्वायर का नहीं बता पाया है किसी ने, बोला पता है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ना है ना, तो स्टडी अगर बढ़ाएगा तो कंफ्यूजन होगा ना दोस्त। चल एक क्वेश्चन और बनाते हैं, डी बाय डी एक्स साइन में लॉग एक्स, जिससे पूछूंगा उसी के मुंह से आवाज आएगा, ठीक है, साइन में क्या करना है, लॉग एक्स। चलो अब बताओ, सॉल्व लिखा मैंने, लिख लिया सॉल्व, इसके बाद पहला स्टेप क्या लिखूंगा मैं, गिवन बाय, पूछना है कि बताना है, तो मैं पूछूंगा, रैंडम पूछूंगा, तेरे से अकेले थोड़ी पूछूंगा, तू अकेला फीस थोड़ी दे रहा है, बाकी लोग भी तो दे रहे हैं, और बाकी लोगों को गुस्सा है कि हमसे फीस लेने पूछ ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा होगा ना, हाँ बोलता है, देखो तेरे को नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तू, ऐसा तो नहीं लग रहा, फीस डबल ले लो लेकिन पूछो मत कुछ, ऐसा भी सोचते हैं ना कई लोग, ठीक है। डी बाय डी एक्स क्या होगा, साइन ना लॉग एक्स। ब्रदर तू बस इतना बता, तुम दोनों में से कोई एक बताओ, स्पेशल टर्म क्या है इसमें, स्पेशल क्या है इसमें, तुम बताओ, खड़े होके तो बोलो, दोनों साथ में एग्जाम दोगे क्या, तुम खड़ी होके बोलो ना, क्या है इसमें स्पेशल, लॉग एक्स स्पेशल क्या है इसमें, लॉग एक्स। तो यहां पे बैठ जाओ, जो स्पेशल होगा उसको अज्यूम कर लेना टी, टी क्या अज्यूम किया मैंने, लॉग एक्स। क्लियर है मेरी बात, तो यहां पे होगा डी बाय डी एक्स साइन टी हो गया, ठीक है, तो फंक्शन किसका है, टी का, लेकिन वह किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स, पॉसिबल है क्या, क्या करूं फिर मैं, डीटी का मल्टीप्लाई डीटी का डिवाइड, कोई दिक्कत, इसके बाद क्या बात है, सीख गया है लड़का, साइन टी, और इसके बाद कोई दिक्कत यार, साइन टी का वैल्यू क्या होता दोस्त, हाँ उसी को, अरे जिससे पूछता हूं उसका, कौन से क्लास में आप, इलेवेंथ में, थोड़ा मेच्योरिटी लाओ अपने आप, जिससे पूछूंगा, अभी तो आगे बहुत सारी बातें हैं ना, जो बीच में बोलेगा उसी से पूछूंगा फिर मैं। d बाय डी एक्स टी, टी का इनिशियल वैल्यू क्या है, टी का इनिशियल वैल्यू क्या है, log x, cos साथ में क्या होगा, log x, d बाय डी एक्स फिर से क्या होगा, log x, तो cos log x तो जैसे का वैसे रहेगा, d बाय डी एक्स log x, कौन बोलेगा बोलो तुम, जल्दी बोलो, फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़े, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का वैल्यू कितना होता है, बोलो बैठो, वन बाय टू, ये माँ कसम, अबे तू कुछ तू कुछ खा के आया क्या, तू कुछ खा के आया क्या, बदला ले रहा तू आज मेरे से ना, सुबह से मैं बहुत टायर्ड हूँ आज, बहुत थका हुआ हूँ, और वो मेरे थकावट का बदला ले रहा है ये, लॉग वन ऑफ टू, किसी का पढ़े थे क्या भाई, फिर तू कैसे बोल ले रहा है, कहीं भी भाग जा रहा है। क्लियर है, अब बना सकते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है, बोलो यस, अब वो दीदी बताएगी, क्या नाम है दीदी का, रीना, नेहा, नेहा दीदी खड़ी हो जाओ, डी बाय डी एक्स ई टू दी, नाम मत लेना दोस्त, ऑनलाइन है ना, e टू दी पावर साइन एक्स, चलो बोलो स्पेशल कौन है इसमें, पूरा आप ही सॉल्व करने वाली हो, ठीक है ना, चलो बोलो, d बाई डी एक्स क्या लिखूंगा, सबसे पहले e टू दी पावर साइन एक्स, स्पेशल क्या है इसमें, t इज इक्वल टू क्या ज्यूम करूंगा, कोई दिक्कत, d बाई डी एक्स ई टू दी पावर t लिखा, अब आगे का स्टेप बताओ, कोई बताएगी बाकी के मुंह से आवाज नहीं आएगा, सही बोल रही है गलत बोल रही है, सही बोल तू, हाँ ये कहाँ गया, इसको अभी सबसे पहले वेरिएबल को बैलेंस करेंगे अपन, तो बैलेंस कैसे करते हैं, dt का मल्टीप्लाई dt का डिवाइड, फिर इंटरचेंज करेंगे, तो मैं भी तो वही बोला लेकिन आवाज वैसा नहीं आया है ना, जैसा बोला था वैसा आवाज नहीं आया, चलो अब क्या होगा, et का क्या होगा, et dt के नीचे क्या होगा, dx, t कहाँ आ गया, बाहर, e टू दी पावर t, d बाय डी एक्स टी बाहर, t
टी का इनिशियल वैल्यू क्या था बच्चा, दिखा है कब देखे थे, पिछली क्लास में, अरे अभी तो देखे हैं। तो डी बाय डी एक्स साइन एक्स का वैल्यू बताओ, वन बाय एक्स, वन बाय टू ना, कितना होता है। हाँ तो कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं उड़ा दूंगा, कितने लोगों को लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं उड़ा दूंगा वन बाई टू करके, है ना। चलो कितने लोगों को लगता है उड़ा देंगे इस टाइप का क्वेश्चन, बनेगा नहीं बनेगा, और प्रैक्टिस कराऊं, क्या बोल रही हो, नहीं बनेगा, एक बार ट्राई करेगा, फॉर्मूला लिख के लाया है, ठीक है, फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट नहीं जाएगा ना अभी, आज और भी बहुत सारा मैं पेपर देने वाला था, दे दिया नहीं, आज दूंगा मैं पेपर, ठीक है, बैठो। तो अभी एक आध प्रैक्टिस और कराऊं कि बस क्वेश्चन देना चालू करो, हो जाएगा पक्का, चलो डन, ओके। तो सुनो अब कैसे करते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं ना, हम दो कैटेगरीज में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ए ये कहां से आ गए, ए और क्या करते हैं बी, क्लियर है मेरी बात, रुक जाओ, देखो यहां पे डी बाय डी एक्स साइन टेन एक्स, अभी लिखेगा कोई भी नहीं ना, डी बाय डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, जो पहले बैठे हैं वो ए बनाएंगे, बाजू वाले बी बनाएंगे, मतलब नहीं समझ में, आप ए आप बी, आप ए आप बी, आप ए आप बी ए, समझ में हो गया, चलो चालू हो जाओ जल्दी, टाइम बड़ा कम है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी गेटिंग फास्ट, एकदम फास्ट, आ गया आंसर, नहीं आया तेरा, कौन सा वाला है, तो इसको बना फिर, इसको भी बना, जल्दी जल्दी बना, हो गया, चलो बताऊं आंसर, बताऊं कौन सा बनाई तुम, बी, क्या तुम्हारा आंसर ये आया, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पक्का, मतलब तो वही हुआ ना, यही आया आंसर, चलो ठीक है, तेरा भी दोस्त सेकंड का नहीं आया, चलो ठीक है, तुम्हारा आ गया सेकंड, नहीं आया, कैसे करोगे हिंदी, अभी हम लोग ना आपका बैच सेपरेट करने के चक्कर में रुकोगे, है ना, अभी आप लोगों का ना बताऊंगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स टेन एक्स, ये कितने लोगों का था, इसका आंसर होगा वन बाई टेन एक्स और कॉस 10x, आ गया था इतना cos 10x, 10x का नहीं, नहीं गलत है, गलत है, गलत है, मैं बता रहा हूं एग्जैक्ट आंसर बता दूं, इसका होगा cos 10x into sec square x, नहीं बना था, यही आया था आंसर, यही आया था आंसर, देखो मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं ना, टाइम नहीं है ना, तो देखो इसको सॉल्व करके देख, देख लो कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सॉल्व डी बाय डी एक्स साइन, इस पूरे को लेंगे टेन एक्स, तो टी क्या ले लिए, थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, फिर डी टी का मल्टीप्लाई डी टी का डिवाइड, कोई दिक्कत, डल रेस्पॉन्स नहीं करना बेटे, ठीक है, साइन टी साथ में क्या होगा, डी टी के नीचे डी एक्स, साइन टी का क्या होगा कॉस टी, d बाय डी एक्स टी बाहर, क्लियर है यहां तक, बात ना कर, देखे यहां पे
कॉस टी का वैल्यू क्या है, टेन एक्स लिखा तो डी बाय डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स से क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया, क्लियर ना, आ गया आंसर, फिर आया था लास्ट छोड़ दिया क्यों, सुपर इतना टाइम था बढ़िया, अच्छा एक्सक्यूज तो बढ़िया मारा था दोस्त, इसमें स्पेशल इसको कौन कौन बना रहा था, स्पेशल टर्म बताओ इसमें, हाँ तो इसको मैं पहले तो बैलेंस करूंगा ना, डी बाई डी एक्स इसको क्या लिखूंगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर, तो टी एज्यूमिंग वैल्यू क्या है मेरा इसमें, टी एज्यूमिंग वैल्यू क्या है इसमें मेरा साइन एक्स, ठीक है, d बाय डी एक्स डी बाय डी टी और यहां पे क्या होगा, मैं थोड़ा सा पूरे डिटेल से बता दे रहा हूं, ये x चल रहा है और इसके जगह पे t स्क्वायर हो जाएगा, पता चला ना, उसके जगह पे यहां पे पूरा t ला के रखूंगा तो t का क्या होगा स्क्वायर, अब बैलेंस करने के लिए मैं dt का मल्टीप्लाई dt का डिवाइड, कोई दिक्कत, इंटरचेंज कर सकते हैं क्या दोस्त, नहीं कर सकते हैं, dt के नीचे क्या आ गया dx, यार इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, टू फ्रंट पे, हाँ तू बोला था 1/2 इसे x स्क्वायर का 1/2 बोला था ना तू, तो t स्क्वायर का क्या होगा 2 फ्रंट पे आएगा 2 माइनस 1 होगा, तू ऐसे ही हंसता रहता है क्या हमेशा, t हो गया यहां तक, अब इसके बाद क्या करूंगा, t का जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है साइन एक्स और d बाय डी एक्स फिर क्या चल रहा है साइन एक्स, यार साइन एक्स का वैल्यू बताओ दैट इज अ कॉस एक्स, सिंपल नहीं बनेगा, बन गया ना तेरा भाई बना, चलो अब थोड़ा डिफरेंट अब मैं क्वेश्चन दूं, अरे हाँ तो बोलो क्या बोलता है, चलो चलो इसको बनाओ सबके साथ, स्पेशल टर्म दिख गया जल्दी 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 ना, रुकना नहीं है, एकदम थमना नहीं है, भागना है दोस्त, तेरे को बेस्ट बनना है, तो कौन से स्कूल से है, हाँ तो अपने स्कूल में टॉप करना है कि नहीं करना, हाँ तो ऐसे ही करेगा, जल्दी जल्दी नोट करें, जल्दी जल्दी भागे, हो गया कितना आंसर है, देखो वो लड़की आ जाइए आज ही बनाना चालू करती, लो आप छीनो दोस्ती नहीं, पढ़ाई में दोस्ती नहीं, खींचो उससे, हो गया दोस्त, अबे इतना टाइम थोड़ा लगेगा, अटक गया क्या, कैसे अटका बोलना, कैसे अटका, तू टी एज्यूम किसको क्या मेरे दोस्त, टी जिसको एज्यूम करना उसी में अटक गया, देख तू लॉग एक्स पढ़ा था कि लॉग एक्स टू द पावर 4 पढ़ा था, तो टी क्या हो गया, मैं इसीलिए कह रहा हूं पढ़ ले, देखो डी बाय डी एक्स उस दिन भी बताया था आज फिर बता रहा हूं, लॉग का एक फार्मूला होता है, आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, सिंपल तरीका है ना, लॉग का फार्मूला क्या होता है, पावर, पावर हमेशा कहां आता है फ्रंट पे आता है, तो एन लॉग टू दी पावर क्या लॉग एम होगा, होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे 4 कांस्टेंट है तो 4 क्या आ जाएगा बाहर, नहीं दिक्कत है क्या, नहीं समझ में, अरे पढ़े नहीं क्या 9th वगैरह में पढ़ते हैं लॉग का फार्मूला, तो ये 4 जो है कांस्टेंट है तो बाहर, फिर डी बाय डी एक्स किसका करेंगे लॉग एक्स का करेंगे, तो 4 log x का वैल्यू क्या होता है 1/x, तो 4 × 1 = 4/x, ये सिंपल तरीका था, ये मेंटोस वाला है ना,
और सिंपल वाला तेरे को एक और तरीका बताता हूँ। देख जैसा तू बना रहा था ना दोस्त, रुक जा लिखे पढ़ा यार, पूरा पीडीएफ मिलेगा तेरे को, कहाँ घबरा रहा तू। नोट बनाए थे क्या? नोट्स बनाए थे? नहीं बनाए थे? क्वेश्चंस नोट नहीं करते हो क्या घर जाके? लेजी हो जा रहे हो? यहां तो नोट करने नहीं देंगे भी नहीं, क्योंकि एक अल्टरनेट क्लास लग रहा, एक घंटे का लग रहा, तो एक घंटे में बहुत सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है? तो नोट्स आपको घर पे बनाना है, एक दिन छुट्टी मिल जाना बीच में, तो आपको नोट्स बनाना है। नोट बीच बीच में चेक करूंगा, वीक में एक बार नोट्स चेक करेंगे आप लोग, ठीक है? पूछो क्यों चेक करेंगे, बोलो स्कूल थोड़ी है सर, बोलो ना स्कूल थोड़ी है सर। अरे बोलो तो स्कूल थोड़ी है कि आप नोट्स चेक करोगे, बोलना, पूछना, ऐसे पूछना। क्योंकि मैं तुम लोगों को बोला था कि हम ज्यादा एडमिशंस नहीं दे रहे हैं, कम लोगों को देंगे लेकिन रिजल्ट परफेक्ट देंगे, ठीक है? हाँ, हमको ऐसे बच्चे चाहिए जो सिर्फ पढ़ने वाले हो, जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले हो, ठीक है? जो अच्छा है उसको और अच्छा करना हमको, और जो पढ़ नहीं पा रहे उनको अच्छा नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो समझ जा भाई, तो 1/2 बोलेगा तो काम नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ तो देख, इसका स्पेशल टर्म वाली बात, तो अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स, देख ले दोस्त तेरे को समझ में नहीं आता ना, तो लॉग एक्स होता है, एक्स के जगह पे क्या चल रहा है, समझ में? तो टी किसको अज्यूम कर लूंगा, कि दिक्कत है कहीं पे? नो दिक्कत, बोलता है नो दिक्कत। तो यहां पे हो गया टी, बैलेंस करने के लिए डी टी का मल्टीप्लाई डी टी का डिवाइड कर सकते हैं ना, फिर ये क्या होगा, इंटरचेंज डी बाय डी टी लॉग टी, साथ में डी टी के नीचे क्या चला जाएगा, डी एक्स। लॉग टी का वैल्यू कितना होता है दोस्त? 1/2, 1/t। कैसे करता है यार, या टी था तो टी होगा, ठीक है? गुस्सा आ रहा है क्या? अरे आना चाहिए पगला तेरे को, तू बोल क्यों नहीं पा रहा, गुस्सा आना चाहिए तेरे को। टी का वैल्यू होता कितना, टी का वैल्यू कितना, इधर है क्वेश्चन ना, उधर दिखा, उसको इधर दिखा रहा हूं तो उधर दिख रहा, टी का ऐसा मत कर तू, है ना, कंफ्यूज हो रहा है। एक्स टू दी पावर 4, और यहां पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर 4। क्या आंसर सेम आएगा? 100% आएगा। इसका डिफरेंशिएट कर, चल जल्दी से। वो सोच रहा होगा कि मैं पढ़ के क्यों नहीं आया, सोच रहा है क्या? हाँ तो ये दिक्कत है दोस्त तेरे को, यहां पढ़ना तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? ये इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, 4 फ्रंट पे आएगा, 4 - 1, तो दैट बिकम्स 4x⁻³। क्या किसी ने किसी को मार डाला? तो 4 बन जाए, क्या बचा 4, और यहां पे x बचा, क्या सेम आंसर आया? तो अब कैसे भी बना दे तेरा आंसर सेम ही रहेगा, कहीं दिक्कत है क्या? पक्का एक क्वेश्चन दूं? अब 2 बोलता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए पगला। एक लूजर और विनर में क्या डिफरेंस है बता? एक लूजर और विनर में, लूजर समझता कौन होता है, कौन, और विनर कौन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या? नहीं, बेसिक डिफरेंस क्या? नहीं, वो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट जो रहेगा ना, जो कोशिश करते रहेगा वो जीत जाता है। तो तू विनर है कि लूजर है? तो 1/2 क्यों बोला फिर? मत बोलना दोबारा 1/2, समझा ना? बोलता मैं तो विनर हूं सर, डी बाय डी एक्स, बहुत बढ़िया। चल बेटे अब बनाओ, बहुत सिंपल है यार, ओवरऑल सॉल्व हो जाएगा, तुम भी बना सकती हो बनाने की इच्छा हो तो, ठीक है? बाकी कुछ नहीं पढ़ी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम आज जाके वीडियोस देख लेना, दोनों वीडियो कंटिन्यू, ठीक है? आपको हमारा ऐप है, ऐप में एक्सेस मिलेगा, ये सारा चीज आपको ऐप में मिल जाएगा, ठीक है? अभी जो बता रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं ना, वो भी आप ऐप में देख पाओगे घर जाके, ठीक? जल्दी जल्दी करो, हो गया? चलो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, मैं बताऊं आंसर क्या आ रहा है, 2x sec² x, ये आंसर आया किसी का, यस और नो? और मैं आपको सिखा दूंगा शॉर्टकट में बनाने का तरीका,
क्वेश्चन देखोगे आंसर लिखो, मैंने क्वेश्चन देखा आंसर लिखा ना, वैसे मैं भी ट्रेंड कर दूंगा विद इन अ डे, ठीक। तो इतना आंसर किसका, किसी का आया था? चल टू सेक स्क्वायर एक्स आया। अब देख मैं तेरे को बताता हूं कैसे होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व, क्या लिखेंगे, सॉल्व डी बाय डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना यार। अज्यूमिंग किसको अज्यूम करूंगा मैं दोस्त, ये टी है ना, टी के जगह पे क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर, डी बाय डी एक्स और यहां पे क्या होगा टेन टी, डी टी का मल्टीप्लाई डी टी का डिवाइड। तो अब क्या होगा इंटरचेंज, डी बाय डी टी और यहां पे क्या होगा टेन टी, डी टी के नीचे क्या आ गया डी एक्स, कोई दिक्कत यार? टेन टी का क्या होता, टेन टी का क्या होता, कॉस टी, टेन टी का सेक स्क्वायर टी है ना, हाँ बे हाँ सेक टी नहीं होता सेक स्क्वायर होता, वो बोला कंफ्यूज है तेरा पड़ोसी कंफ्यूज है, डी बाय डी एक्स टी, समझ में आया अंतर, टी का वैल्यू क्या है, स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, होना पड़ेगा दोस्त। इलेवेंथ का सिलेबस जानते हो कितना बड़ा, इलेवेंथ का सिलेबस जानते हो कितना बड़ा, बहुत बड़ा सिलेबस है, हर टॉपिक को प्रिसाइजली पढ़ना है। अभी चैप्टर स्टार्ट होने दो फिर मजा आने लगेगा आपको। ये क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका करूंगा तो क्या होगा टू एक्स, भाई बोलेगा वन बाई टू होगा, है ना, आ गया सेम आंसर नहीं आए तो होपफुली इतना सफिशियंट है। अब आपको स्पेशल टर्म के क्वेश्चंस बन जाए, नहीं बनेगा, बन जाएगा पक्का, डन, असाइनमेंट आएगा दोस्त आजकल में। हाँ अब बताता हूं प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, कल का नहीं आया तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला यार, सुबह से एंगेज हूं, जो जो लड़की काम करती है वो भी वो आ नहीं रही है भाई, मैं बहुत परेशान हूं। तू करेगा क्या जॉब यहां पे, क्या बोलता है करना, बहुत पेमेंट मिलता है, प्रोडक्ट रूल ना भी। चल ठीक है प्रोडक्ट रूल, अब क्या बता रहा हूं प्रोडक्ट रूल, चलो समझते हैं कुछ नई चीज। अज्यूम कर लो कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, डी बाय डी, जिसको समझ में आ जाएगा प्लीज रेज योर हैंड, ओके, जब आपको समझ में आ जाएगा। वी हैव टू डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लाइक एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स, बोथ आर हैविंग अ इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दोनों आपस में कैसे है प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ रहा, दिखा कि नहीं दिखा, नहीं समझ में आ गया, इसको क्वेश्चन भी समझ में आ गया, अभी समझाया नहीं दोस्त, क्वेश्चन है अभी समझ, ठीक है, तू कैसा करता है, तो पहले इसके पास जाओ, डी बाय डी एक्स क्या करूंगा एक्स स्क्वायर इंटू, फिर किसके पास करूंगा, कितने लोगों को समझ में आ गया यहां तक, यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया ना, हैंड को रेज करना है ना, एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, कितने लोगों को 100% क्लिक कर गया, 100% कॉन्फिडेंट कितने लोगों, तेरे को नहीं आया पक्का ना, इजी है कि बहुत इजी है, अरे इजी है कि बहुत इजी, बहुत इजी है ना, तो ये प्रोसेस गलत है, ऐसा नहीं होता। अब आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होता तो क्यों बताया, क्योंकि आप एग्जाम में यही बनाते हो, कई लोग देखे मल्टीप्लाई डायरेक्ट जैसे प्लस माइनस कर रहे थे पर वैसे ऐसा नहीं होता, तो एग्जैक्ट रूल क्या है मैं वो बता रहा हूं, प्लीज पे मोर अटेंशन। अब देखो रूल क्या है, डी बाय डी एक्स, वी हैव टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस लाइक एफ वन एक्स एंड एफ टू एक्स, हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक एफ वन एक्स का फंक्शन है, एक एफ टू एक्स का फंक्शन है, क्लियर है मेरी बात, थोड़ा सा बूस्ट करना अपने आप को, क्लियर है अब तक, तो इसको बोलते हैं टर्म वन फर्स्ट टर्म और इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म दिखा सेकेंड टर्म दिखा, दोनों के बीच में प्लस दिखा माइनस दिखा मल्टीप्लीकेशन दिखा, गुड। तो अब क्या करना, फर्स्ट टर्म को बाहर ले लेना, किसको लेना बाहर, डिफरेंशिएट किसका करना, अबे पागल हो क्या, फर्स्ट को बाहर ले तो डिफरेंशिएट सेकंड का करोगे ना, नहीं समझ में, बाहर किसको लिए थे, अब बाहर किसको लेंगे, डिफरेंशिएट किसका करेंगे, कोई दिक्कत खत्म, ये रूल, नहीं समझ में आया, अब इसी को अप्लाई करके देखते हैं इसमें, ठीक है, आप रेडी हो, आप तैयार हो, डल रेस्पॉन्स, आप तैयार हो, क्या रेस्पॉन्स है, ये टर्म वन है और ये क्या है टर्म टू, तो टर्म टू टर्म वन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ टर्म वन प्लस
बाहर डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? प्लस साइन एक्स, इसका क्या होता है? अरे भाई 1 बाई टू मत लिख देना इसको भाई, तो 2x को हम सामने लिख लेंगे साइन x, समझ में आ गया? तो ये इसका करेक्ट आंसर है कंपेयर टू दिस, ऐसा नहीं होता ऐसा होता, तो मल्टीप्लिकेशन रूल समझ में आ गया, बन जाएगा क्वेश्चंस। चलो एक और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है? अब आप लोग बोलोगे इसको, कौन बोलना चाहता है? आए मैं बोलना चाहता है, मैं खड़े हो जाऊं? नहीं तू क्यों खड़े होगा, तू बताएगा ना दोस्त? क्यों नहीं बताएगा, तू तो डर रहा है, देख कुछ दिन बाद ना तू फिजिक्स बोलने लगेगा दोस्त, समझा? यस बोल। चल बोलता मैं नहीं बोलना चाहता, चल बोल। कर पाएगा? रुको लिखना नहीं है ना, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तुम बोलो कैसे करोगे, खड़े हो जाओ जल्दी से। अच्छा बोलना, हाँ डायरेक्ट बोलना log x, फिर बाकी किसी के मुंह से आवाज नहीं। कोई दिक्कत? चल खड़े रहे, अब बोलता जा। log x d by dx tan x का वैल्यू बता, तू पिटाएगा भाई, तू पढ़ता ही नहीं है भाई। ये tan x हो गया log x का 1 by x, क्लियर? इजी की आसान है, इजी और आसान का मतलब तो एक ही होता है ना, तो इजी है कि बहुत इजी है? ये बहुत इजी नहीं है ना, क्यों, क्या टफ है इसमें? इसलिए टफ है कि क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ के नहीं आया, फार्मूला में ही फंस गए ना, तो ये हो गया खत्म, बन जाएगा। एक और क्वेश्चन दो, ये बताएगा भाई। चल भाई खड़े हो जा, तैयार है? पक्का ना? कॉन्फिडेंस तो लग नहीं रहा, तेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ लग रहा है दोस्त। सुनना मैं बोला तेरा कॉन्फिडेंस हिला हुआ, अब क्वेश्चन के देख कोई बोलेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस क्या, मैं भी हिल गया बोलेगा। बनेगा? तू बनाएगा? तू बनाएगा किससे बनवाओ? सुपर, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोल जल्दी बोल 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 एक्स बोल, कोई बोला ना बाकी उनकी आवाज नहीं आना चाहिए मुंह से। आगे बहुत बढ़िया, सुपर बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्त। अब इसका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा धीरे धीरे, देखना पहला लाइन तो बोल दिया, अब सेकंड लाइन से इसकी वाट लगने वाली, बोल। हाँ फिर तू खोल ले कॉपी, कॉपी नहीं खोलना दोस्त, बोल बोल। अब पीछे वो देख, धीरे से देख ले नीचे। अच्छा पता है तो याद करके आना चाहिए था, ठीक है? ये देखो मेरी बात ना, अभी तक आप सीरियस नहीं लिए, आप वही ट्रेन को लेके चल रहे हो कि हम जैसा पढ़ते थे ट्यूशन वगैरह, दैट इज कॉल्ड बाय ट्यूशन, जहां आप पढ़ते थे, आप उसी ट्रेन को लेके चलोगे तो यहाँ आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा ना, सुन ले मेरी बात अच्छे से, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, आप टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाएंगे, केयरलेस होंगे, तो वैसे ही हम आपको निकाल देंगे, ठीक है? अब इतने कम फी में पढ़ा रहे हैं, आपको पता आप जितना आप लोगों से फी कलेक्ट नहीं हो रहा हो ना, उससे ज्यादा हम सर्वर कॉस्ट पे करते हैं हर क्लास का, समझ में आ रहा? बिजली बिल भयानक आता है इस पैनल का, तो वो तो इस उम्मीद से मत रहना कि एडमिशंस पहले आ गया पहले पा लिए, परफॉर्मेंस अगर बिल्डअप नहीं होगा ना तो वैसे आप बाहर हो जाओ, ठीक? तो अपने परफॉर्मेंस को अप टू डेट रखना पड़ेगा आपको, तो इसका बता दो दोस्त पीछे। देखो पिछली क्लास में बोला था ना दोस्त, इसका फॉर्मूला मैं आपको फिर से लिख के दिखा देता हूं, डी बाय डी एक्स ए टू दी पावर एक्स का, अभी तो बोला था थोड़ी देर पहले यार, ए एक्स लॉग ए होता है ना, तो टेन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स ही होगा, साथ में लॉग टेन हो जाएगा, सिंपल है ना दोस्त, पढ़ लिया करना यार। देख या तो तू दो चीजें कर सकता है,
या तो अपने आप को बिल्ड करना चाहता है कि अपने आप को बिल्ड करना चाहता है कि डाउनफॉल में आना चाहता है। कुछ बनना है ना लाइफ में तो तेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है दोस्त यहाँ पे, और ये हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ना। तो अपने आप को पॉलिश कर। समझ में आ गया इसका, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मल्टीप्लिकेशन रूल समझ में आ गया, बन जाएगा ना। अब इसी में एक डिवाइडेड रूल होता है, क्या होता है सुमिन सुने हो? डिवाइडेड रूल के लिए भी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग देखना बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन बताओ, डिवाइड तो समझ में आता है ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे दो फंक्शन है, चलो फंक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता देता हूँ, भाई खुश हो जाएगा क्वेश्चन देख के। साइन एक्स है ठीक है, और नीचे ई एक्स है, दोनों प्लस में कि माइनस में डिवाइड तो दिखता है ना, उत्तर तो देख सकते हैं ना ठीक। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले इसका डी बाय डी एक्स किसका किए, फिर किसका करेंगे डी, बहुत बढ़िया। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ई एक्स का क्या होता है, आसान है कि बहुत आसान था ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो गलत है, तो ऐसा क्यों बताया मैं, ताकि आपको याद रहे कि आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्लियर। तो इसका फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला मैं एक ही बार बताऊंगा, देखता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग इनको क्लिक कर जाएगा इन वन वंस है ना। डी बाय डी एक्स वी आर यूजिंग टू डिफरेंट फंक्शंस लाइक एफ वन एक्स एंड सेकेंड आर एफ टू एक्स, क्लियर है मेरी बात। जो डिनोमिनेटर का टर्म है, पॉइंट बी नोटेड, जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो ऊपर जाएगा, सेकेंड टर्म ऊपर जाएगा, इट इज अ फर्स्ट टर्म, इट इज अ सेकेंड टर्म। डिफरेंशिएशन किसका होगा, फर्स्ट टर्म का, कोई दिक्कत? प्रोडक्ट वाले में प्लस लगाते थे, इसमें माइनस लगाओगे, अब ये बाहर आ गया, कोई दिक्कत है क्या? बस खत्म, कितने लोगों को याद हो गया, एक भी नहीं। अच्छा याद हो गया ना, तो कोई याद नहीं हुआ, अरे नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हुआ, माइनस लगाया जिसका हुआ तो बाहर, फिर हो गया ना। इसके बाद एक और काम करना था, इसके बाद जो नीचे बचा है ना उसका बस स्क्वायर करते हैं, खत्म। नीचे वाला ऊपर गया, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हुआ, माइनस लगा जिसका डिफरेंशिएशन हुआ उसको बाहर निकाले, जिसका नहीं हुआ था उसको करके दे दिए, और जो नीचे बचा था उसका स्क्वायर कर दिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं बना के दिखाता हूं, साइन एक्स बाई ये था ना, देखो ज्यादा हो जाए तो कह देना ठीक है, मैं स्टॉप हो जाऊंगा। क्या चल रहा था, साइन एक्स बाई क्या चल रहा था, ई एक्स। तो हम सॉल्व कर रहे, तो इट इज अ फर्स्ट टर्म एंड इट इज अ सेकेंड टर्म, ड्यू टू फॉर्मूला ई एक्स कहां जाएगा, ऊपर, याद करो सेकेंड टर्म। डी बाई डी एक्स क्या करते हैं, कोई दिक्कत, फिर क्या लगेगा, माइनस, वेरी गुड। डी बाई डी एक्स ई एक्स अपॉन में ई एक्स जो चल रहा है ना उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, आसान है कि बहुत आसान है। अबे बहुत तो बोलो कभी कभी, मुझे भी अच्छा लगेगा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का वैल्यू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ई एक्स का वैल्यू, अरे क्या बात, तो कॉन्फिडेंस तो देखो लड़के का, क्या बोला ई एक्स, अरे टू सामने आता तो टू एक्स लिख सकते हो ठीक है, टू एक्स भी लिख सकते हो और एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो मैं एक्स का होल स्क्वायर ही रखता हूं। पूछो क्यों, पूछो ना क्यों, क्योंकि दोनों में ई एक्स कॉमन है देख, और तो पूछ भी लेगा हर बार। हाँ ये भी बात है यार, चलो ये कटा, तो फाइनल आंसर दिख गया, फाइनल आंसर दिखा, कोई दिक्कत, स्पेशल टर्म क्लियर हो गया, प्रोडक्ट क्लियर हो गया, डिवाइडिंग क्लियर हो गया। सिर्फ प्रैक्टिस, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को हम बनाएंगे ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस, उसके बाद डेफिनेशन आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब एग्जाम में आएगा फिर टेस्ट होगा, कब होगा टेस्ट, ये देख खुश हो गया, टेस्ट नहीं देगा, टेस्ट ये टेस्ट में कब आ गया, तो नहीं अभी नहीं, दो तीन टेस्ट का चांस देंगे, उसके बाद फिर अलविदा कर देंगे दोस्त ठीक है ना। तू जाना चाहता है, हाँ बोलता, देख मैं बोल रहा हूँ तू जाना चाहता है क्या, नहीं जाना चाहता घर, तो आज यहीं पे रहेगा, चलो बताओ कौन बता रहा है, कौन बता रहा है इसको, कौन बता रहा? नहीं बनेगा, तेरे से बनेगा यार, तेरे अंदर एक फिजिसिस्ट है पता है, मैं फिजिशियन नहीं हो रहा, खड़े तो हो, तू कर सकता, तू कर सकता, समझ में आया।
अंग्रेजी मूवी देखा कभी, इंग्लिश मूवी देखा कभी, मतलब हॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखा है? देखा है ना, बॉलीवुड का भी देखा, दोनों में डिफरेंस क्या? अबे जिसमें भी देखा होगा, जिसमें भी देखा होगा, तो क्या होता पता, हॉलीवुड बॉलीवुड में क्या होता है कि कोई डूब रहा होता है ना, तो बंदा क्या करता है, वो भी जाकर उसको हाथ पकड़ खींचता है। बॉलीवुड में ऐसे ही होता है, और थोड़ी देर के बाद दोनों के दोनों तय हो जाते हैं, होते ही नहीं होते, क्योंकि चट्टान वगैरह रहा तो ऐसे। हॉलीवुड में क्या होता है, कोई डूब रहा होता है ना, तो बंदा उसके पास जाके बैठता और बोलता यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कब तक बोलता है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस क्या करता, बूस्ट करता। समझ में आ रहा ना? तो मैं भी यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यू कैन डू इट, चल ट्राई कर, चल नहीं मरेगा ये, नहीं मरेगा। टेनेक्स सुपर, क्या बात है दोस्त, आवाज किसी के मुंह से नहीं आएगा बता रहा हूं। माइनस हाँ, डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन ना, आप याद रखना, बहुत बढ़िया। लॉग एक्स का स्क्वायर कर देंगे फिर, नहीं करेंगे भाई, टेन एक्स का करेंगे, तो तू लॉग एक्स का कैसे बोला, ठीक है चलो। ये टेन एक्स जैसे का वैसे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का वैल्यू 1/2 बोल रहा था क्या फिर से, चल ठीक, लॉग एक्स डी बाई डी है, टेन एक्स का वैल्यू कितना होगा, तू पढ़ा नहीं है ना, sec square x, बाकी सॉल्व कर लोगे ना, ये क्या होगा tan square x होगा, क्लियर है, खत्म। आ जा, आ जा। कुछ नहीं होगा, छोड़ सकता है, ठीक है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन कर लेना चाहिए कई बार प्रूफ करने के लिए, यहां तक तो भी बनाओगे तो 100% नंबर मिलेगा, तो समझ में आ गया। तो अब भी क्या क्या पढ़ लिए, पिछली क्लास में हम बेसिक डेफिनेशन के बारे में पढ़े और प्लस माइनस के जो रिएक्शन थे उसको कर लिए, आज हमने क्या किया, टर्म पढ़ लिया, स्पेशल टर्म, प्रोडक्ट हो गया, डिवाइडिंग हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है, तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, हो गया काफी टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कब होगा, परसों होगा, अभी जाएंगे नहीं, बैठेंगे। और एक क्वेश्चन तुम बनाओगे, क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि बोर्ड में बंद कर दूंगा ना, चलो जल्दी नोट कर लो, अभी बनाना है, तो घर जाने की जल्दी क्या दोस्त, लगा मेरे को ऐसा।